हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। आजकल मेरी ना वीडियो नहीं बन पा रही है, पता नहीं कुछ अजीब सा सब कुछ हो रखा है और मेरा घर भी फैला फैला, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। अभी पता है ये एक साड़ी है, मैं इसे बंद है दरवाजा, उस रूम से खोल लीजिए, छोटी के रूम से। तो ये साड़ी है ना, ये साड़ी मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में शेयर कर रखी है, कुछ मिंत्रा हॉल, तो आप तो देख सकते हो वहाँ, और बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इसे अभी मैं नवरात्र चल रहे थे ना, तो नवरात्रों में पहना था, तो ये इसको वॉश करके रख लिया था, और ये कई दिनों से पड़ी हुई थी तो मैं इसको अंदर ही डालने जा रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये नेट की साड़ी है और बहुत लाइट पिंक कलर की, बेबी पिंक होती है ना, वो बेबी पिंक कलर की साड़ी है ये। और स्कर्ट एरिया में इन्होंने इस तरह से ये डिजाइन दे रखा है, ये पूरे में ये स्कर्ट एरिया में ये इस तरह से है पूरा, जहां से हमारा ये आंचल स्टार्ट होता है ना, वहां से इन्होंने इस तरह से पूरा भरा भरा एकदम एम्ब्रॉयडरी दे रखा है ये। इसे मैंने लिया था एक शादी में पहनने के लिए, तो उस साड़ी में इस साड़ी को मेरी बेटी ने पहना था, और मैंने मिंत्रा से एक और ब्लैक साड़ी ली थी, उसे पहना हुआ था। तो अभी उसके बाद मैंने अभी नवरात्र में पहना था। इसमें ये पूरे थ्रेड के वर्क है, ये जो वेज कलर का थ्रेड है ना, ये पूरा थ्रेड का वर्क है इस तरह से। पता नहीं अभी इसका लिंक मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो मैं इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और नहीं मिला तो ये हो गए, मैंने 2 साल पहले लिया हुआ था। तो आंचल में ये इस तरह से पूरे में वर्क है, ये पूरा भरा हुआ वर्क है, और पूरे ये कॉटन थ्रेड का वर्क है इसमें, और बहुत खूबसूरत से डिजाइन बना रखा है इन्होंने। ये तो यहाँ से निकल भी गई है सेट पहनने की वजह से। इसे मैंने कुछ 1700 या 1800 का लिया था, याद नहीं है, देखकर बताना पड़ेगा। तो ये बहुत खूबसूरत सा है, आप इसको कभी भी पहन सकते हो, दिन में भी पहन सकते हो, रात में भी पहन सकते हो। तो मैंने नवरात्र में एक दिन मंदिर जाना था, सो इसे पहना था और पहनकर इसको रख दिया है। अभी मैं इसको पहन के नहीं दिखाऊंगी, ये इसी तरह से है, आंचल में इस तरह से आएगी ये, और नीचे इस तरह जो चुन्नते पड़ेंगी ना वो इस तरह से आएंगे। और इसके साथ ब्लाउज आया था, ब्लाउज दिखाती हूँ। ये पहनकर कैसी लग रही है, अगर फोटो मिलेगी तो मैं फोटो लगा दूंगी, और वरना ऐसे मेरी अलमारी भरी हुई है। इसके साथ ये ब्लाउज पीस आया था, ये तो ये ब्लाउज मेरे साइज का नहीं है, क्योंकि मैंने इसे अपनी बेटी के लिए बनाया हुआ था, तो मैं इसके साथ अब दूसरा ब्लाउज बनाने वाली हूँ, और इसे मैं एक दूसरे ब्लाउज के साथ पहन ली थी। तो ये वर्क एक्चुअली उन्होंने पीछे दे रखा था, तो मैंने क्या किया इसको फ्रंट में डाल दिया इस तरह से, खूबसूरत लग रहा ना बहुत ये। तो मैंने वो पीछे के वर्क को सामने डाल दिया और पीछे इस तरह से डिजाइन कर दी, जो पहनने में काफी खूबसूरत बैकलेस हो गया है, लेकिन पहनकर बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसका भी वीडियो मैंने ब्लाउज कलेक्शन, ब्लाउज डिजाइन वाले वीडियो में डाल रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो, अगर नहीं देखा है तो अभी देख लो ये। तो इसको पहनने के लिए तो जगह भी चाहिए, सो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे जिप लगा दी थी ये।
यहाँ जिप लगा दी थी और बस ये हो गया ब्लाउज तैयार। काफी खूबसूरत बनकर तैयार हो गया। फिर ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मिंत्रा पे देख सकते हो, ये मिंत्रा से लिया था मैंने और लिंक मिलेगी तो डाल दूंगी, नहीं तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।